इन टू फोर कर देंगे क्यों इन फोर बिकॉज चारों चार साइड रोमबस में सेम होती है तो एक साइड पता करेंगे उसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रोमबस का पैरामीटर मिल जाएगा सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अभी मैं मेथड के साथ करवा रहा हूं ये मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया कि कैसे सॉल्व होता है कोई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि इतना समझने के बाद मैं अपने आप कर सकता हूँ दे कैन गो अहेड राइट स्टॉप द के इज इक्वल टू ए सी अपॉन टू दैट्स

अभी मेरा फॉर्मूला क्या होगा right? स्क्वायर so, ट्वेल्व 5, 5 का स्क्वायर वन फोर्टी फोर ये हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन का रूट ले लेंगे हटाने के लिए रूट ले लेंगे तो मुझे मिल जाएगा थर्टीन अभी क्या करेंगे ऑल फोर साइड सेम वो रूल का इस्तेमाल करेंगे

ये डायागोनल जो है वो मैं बोल सकता हूं दे आर कॉन्ग्रेंट दे आर सेम सो मैं बोल सकता हूं कि दोनों डायागोनल का मेजर फाइव फाइव होगा लेकिन हमें इधर उसे मेथड से दिखाना है XZ इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू दोनों का टोटल टेन है वाई डब्ल्यू को मैं एक्सैड भी बोल सकता हूं बिकॉज दे आर सेम राइट तो मैंने वाई डब्ल्यू की जगह XZ लिख दिया टू एक्सैड एक्जेट इज इक्वल टू फाइव एक्जेट इज इक्वल टू फाइव इवन वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइव अभी फ्रेंड्स मुझे जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है ढूंढना है YZ या XY, कोई भी हमें में बोले हम दोनों ढूंढ सकते हैं कैसे ढूंढेंगे मैं पे बता रहा हूं. हमें क्या दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड सेवन सो एक्स वाई प्लस वाई जेड सेवन इसमें या तो एक्स वाई को या तो वाई जेड को अकेला करना है मैंने एक्स वाई को अकेला किया है ये वाई जेड ये है तो माइनस वाई जेड जैसे हम इक्वेशन में करते हैं अभी पाइथागोरियन फॉर्मूला लगाया कौन से ट्राइंगल के लिए मैंने लगाया मैंने लगाया ट्राइंगल एक्स वाई जेड के लिए एक्स वाई जेड इज राइट एंगल ट्राइंगल आप सोच रहे हो कहां पे दिया हुआ है राइट एंगल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए रेक्ट एंगल यहां पर नाइनटी एंगल ही होगा सो दिस दाई राइट एंगल ट्रा एंगल पाथागोर फॉर्मूला होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर नाउ एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे दैट इज सेवन माइनस वाई जेड तो इज़ डाउन कर सकते हो बहुत सब स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते लेट मी एक्सप्लेन होवन माइनस वाई जेड होल स्क्वायर अभी इसका एक्सपेंसन कैसे करेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से जहां ए इज इक्वल्स टू लिखेंगे सेवन बी इज इक्वल्स टू लिखेंगे वाई जेड नाउ सेवन स्क्वायर माइनस टू एक जगह पे लिख देंगे सेवन बी की जगह पे लिख देंगे वाई जेड प्लस वाई जेड बिकॉज बी सो बी की जगह पे वाई जेड वाई जेड स्क्वायर ये हो जाएगा फोर्टी नाइन ये हो जाएगा फोर्टीन वाई जेड एंड वाई जेड होल स्क्वायर वाई जेड होल तो ये एक्सपांसन है जो मुझे यहां पे लिखना है तो यहां पे यह हो गया फोर्टी नाइन ये हो गया फोर्टीन वाई जेड हो गया वाई जेड स्क्वायर ये सब मैंने यहां जो अभी कैलकुलेशन किया था उसमें से लिखा अभी फ्रेंड्स 49 नाइन

Square, Z square. Here 14YZ, 49 में से ट्वेंटी फाइव गया तो ट्वेंटी फोर अभी इसमें से दो कॉमन ले लेंगे देखो पूरे में से दो कॉमन ले लेंगे दो कॉमन लेंगे तो वाई स्क्र जेड स्क्वायर हियर टू सेवन फोर्टीन सो सेवन वाई जेड हियर ट्वेल्व अभी आपको ये स्टेप से ये स्टेप समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप दो कॉमन लेने का भूल जाते हो आपको याद नहीं रहता है कि यहां पे दो कॉमन लेना है दैट इज आल्सो फाइन इट विल गिव द सेम आंसर बट ये दो कॉमन लेने से आपका कैलकुलेशन जो है वो छोटा हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा इजियर हो जाएगा अभी ये कॉमन लेने में समझ नहीं आता है तो उसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है दिस इज माई टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई जेड प्लस ट्वेंटी फोर अभी सबके डिनोमिनेटर में टू लिखा मैंने कॉमनली इट मीन्स वो सबको एक ही नंबर से डिवाइड किया और जैसे मैंने आगे बताया पूरे इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये टू टू कैंसिल ये टू सेवन जै फोर्टीन ये टू ट्वेल्व ज ट्वेंटी फोर तो अभी हो गया ना वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस सेवन वाई जेड प्लस ट्वेल्व अभी जैसे कि ये टू था ही नहीं वैसा मान के ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है अभी फ्रेंड्स मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ये टू जैसे कि है ही नहीं वाई स्क्वेयर जेड स्क्वायर माइनस सेवन वाई जेड प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई करो तो मुझे ट्वेल्व चाहिए बिकॉज यहां पे ट्वेल्व है एंड प्लस करो तो मुझे माइनस सेवन चाहिए बिकॉज मिडल टर्म माइनस सेवन है इसे ट्वेल्व के पार्टीशन करने हैं तो मैंने कर दिया फोर थ्री जो ट्वेल्ल फोर प्लस थ्री सेवन लेकिन मुझे माइनस सेवन चाहिए तो मैंने इसे माइनस साइन दे दिया इसे माइनस साइन दे दिया तो माइनस प्लस माइनस चार में से तीन गया तो एक बिगन नंबर साइन माइनस वन हो जाएगा मुझे माइनस सेवन चाहिए तो दोनों को माइनस देना पड़ेगा दोनों को माइनस देना पड़ेगा अभी ये हो जाएगा प्लस ट्वेल्व बिकॉज माइनस माइनस प्लस एंड हियर इट्स राइट तो ये मेरे पार्टीशन अभी ये पार्टीशन जो मैंने की है वो आपको समझ आने चाहिए अगर आपने क्वांटिटी इक्वेशन क्वांटिटी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते वो आपने नहीं देखा हुआ है तो आप यूट्यूब पे या तो जो कोर्स आप देख रहे हो उसमें आप देख सकते हो अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फोर थ्री माइनस फोर माइनस थ्री अभी इसमें से कॉमन लेंगे इसमें से मैंने वाई जेड कॉमन लिया ब्रैकेट में रह जाएगा वाई जेड माइनस फोर ठीक है ये दो बार है वाई भी दो बार है जेड भी दो बार है एक बार वाई जेड बाहर आ गया एक बार वाई जेड रह गया ये वाई जेड कॉमन में निकल गया नहीं लिखेंगे ये दोनों में से कॉमन कॉमनली निक टेक्निक है ये दोनों टर्म में अगर आपको पता नहीं चल रहा है ये तो छोटा कैलकुलेशन है अगर बड़ा कैलकुलेशन तो कैसे करेंगे इसको पहले ब्रैकेट की पहले टर्म से डिवाइड करेंगे दैट इज वाई जेड वाई जेड वाई जेड कैंसल आउट क्या रहेगा थ्री राइट right? तो थ्री कॉमन ब्रैकेट ऑटोमेटिक सेम आ जाएगा या माइनस है तो अंदर अपोजिट से थ्री फोर जेड ट्वेल्व ब्रैकेट के बाहर वाले साथ में वाई जेड माइनस फोर वाई जेड माइनस थ्री ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बाहर वाले दोनों के इक्वल्स टू जीरो तो मुझे वाई जेड की वैल्यू मिल गई फोर या तो थ्री अभी अगर एक्जेड का पूछते सॉरी एक्स वाई का पूछते तो अभी सेम होता उसकी वैल्यू भी फोर हो सकती है या थ्री हो सकती है आई होप यू अंडरस्टूड वट आई एक्सप्लेन इन दिस टू सम्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो